Attention please, there will be a short get together in crew mess room on the occasion of Diwali. All ship staffs are invited to join the occasion at 1845 hours. I know that I can't go on without you. It's hard cause it took 5 years until I found you. Oh, I'm not gonna let you go. Oh, I'm gonna hold you close. It's hard cause it took 5 years until I found you. We just getting started, baby. I can't control myself lately. I repeat, there will be a get-together in crew mess room on the occasion of Diwali. All ship staff are invited to join the occasion at 1845 hours. Thank you. A few moments later. And this is Barfi. Oh my God, मैंने दिया चीफ को अपने. तो चीफ को कभी ये सुंदर सी बर्फी काट रहे हैं ताकि हम लोग इसे पार्टी में खा पाएं. One eternity later. So you can't speak duty, मेरी मौत चल रही है और नीचे पार्टी शुरू हो चुकी है. तो मैं जा रहा हूँ पेट्रोल डालने के लिए. एक रोल्स लेने पर वो खत्म हो जाएंगे, बहुत टेस्टी बने. तो हैं हम तैयार दिवाली पार्टी में स्पेशल पकवान खाने को. चलो भाई, लक्ष्मी पूजा भी थी आज, घर पे चल रही होगी. बट दैट्स लाइक यू हैव टू डू सम थिंग्स. सब लाया बट केक नहीं लाया. तो क्या ना, केक लेने चलते हैं. दिवाली, हैप्पी दिवाली. One eternity later. भारी बारिश होने वाली है. And it's gonna be a very rough weather. Rough तो पता नहीं, बट बारिश बहुत होने वाली है. एंड अच्छा लग रहा है भाई ऐसे थोड़ी मोड़ी बारिश में. तो वही अभी आए हैं, वी आर फिनिश विद आवर डेको टुडे. और अब जा रहे हैं लंच करने के लिए. जाते हैं, उसके पहले सारे स्टोर्स बंद कर देते हैं. यू हैव टू श्योरली क्लोज ऑल द स्टोर्स इन सच सिचुएशंस और एंड इवन व्हेन यू नॉक ऑफ तुम्हें सब बंद कर देना होता है. इसको भी लगा देते हैं. ये देखो भाई, काले बादल छाए. चलो देखते हैं. ये भी खुला है. एंड आफ्टर दिस वी वर कॉलिंग द डे ऑफ. और अकोमोडेशन में वापस जाते हुए वी सॉ दिस जाइंट शिप जो इतनी सुंदर दिख रही थी भाई. इसका वो जो क्रीम कलर का ऊपर का स्ट्रक्चर है पूरा, इट वाज वेरी ब्यूटीफुल टू सी दैट. एक्चुअली मैं कैमरा तुम्हें वो नहीं दिखा पा रहा होगा जो वी एक्चुअली सॉ, बट इट वॉज रियली ब्यूटीफुल. तुम्हें इसमें भी दिख ही रहा होगा. One eternity later. We are at Singapore. You see, this is Singapore behind. And this is infinite. So I was just looking around the ships and I saw these two ships passing so close. तो मैंने मेरा कैमरा निकाल लिया. आई थॉट कि इन दोनों का तो कोलिजन होने ही वाला है करके. अब इट चाइल्डिश बट कैडेट शिप में एक्सपेक्ट कर सकते हो. बट दे वो पासिंग सो क्लोज ना भाई, मुझे लगा कि इट्स ऑलमोस्ट गोना कोलाइड. बट फिर ऐसा हुआ नहीं. बट बोथ द शिप्स पास्ड ईच अदर सेफली. एंड व्हेन आई शोड दिस वीडियो टू माय चीफ, ही सेड बेटा ये सिंगापुर है, यहाँ पे इतने ट्रैफिक के बावजूद भी द चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स आर निल. क्योंकि यहाँ पे भाई इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है, द ships they really pass each other very close, but we always have to maintain a proper lookout to avoid any close quarter situation. So chalo vlog continue karte hain. We'll be right back.
after we got all our provisions and stuffs on board, now we are securing them in their respective places. और इस बीच यहाँ पे ये देखो भाई, ये बर्फ ये provision के साथ आया था. Now that is what is going on. One eternity later. 8 महीने में पहली बार यूनिफॉर्म पहना है भाई. फोटो के लिए साइन ऑफ डे. तो भाई दिस इज इट विद दिस पार्ट. इसका एक कंटिन्यूएशन में पार्ट आएगा, अदरवाइज द ब्लॉग विल बिकम अ बिट लॉन्ग. वी आर स्टिल इन सिंगापुर, द पार्ट 2 विल कम सून. तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय.